सो हे गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंजो एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी विंजो एप्लीकेशन में फैंटेसी क्रिकेट अगर खेलना चाहते हो, अगर आपको खेलना नहीं आता है तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग टीम बना सकते हैं और किस प्रकार से आप लोग कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई लोग, ये वीडियो जरा सा भी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, विंजो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपने अभी तक विंजो एप्लीकेशन का यूज नहीं करते, इसका लिंक मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को करने क्या पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों ऊपर में आप लोगों को विंजो मनिया मिलेगा, विंजो वर्ल्ड वॉर मिलेगा, तो इसको आप लोग जैसे आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा जैसे कि एक फैंटेसी लीग का। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना। अब जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे जो कि कॉन्टेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो आज का जो यहाँ पर मैच है गाइस, यहाँ पर कोलकाता VS बेंगलुरु का, तो सिंपली यहाँ पर मैं करता हूँ गाइस इस पर क्लिक, इसी पर आप लोगों को भी क्लिक कर देना। आप जैसे यहाँ पर क्लिक कर देते तो आप लोगों के सामने काफ़ी सारे जो कि यहाँ पर एंट्री वाला, जो कि यहाँ पर एंट्री फी का जो कि यहाँ पर आ जाता है प्राइज पूल वाला, तो आप लोगों को करना क्या, नीचे से एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट आवर टीम का, तो सिंपली करना क्या गाइस क्रिएट आवर टीम पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक कर देते तो आप लोगों के सामने सारा का सारा प्लेयर आ जाएगा। आप जैसे कि देख सकते हैं, आप साफ साफ लिखा गया कि यहाँ पर सिलेक्ट आप लोग विकेट कीपर, एक से आप लोग 3 विकेट कीपर तक आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं दो किसी विकेट कीपर को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी का जहाँ पर कौन सा प्लेयर प्ले करेगा नहीं करेगा, अभी जो कि इसका अलाउंस नहीं किया गया है, क्योंकि अभी 3 घंटे अभी जो कि इसमें टाइमिंग बचा हुआ है। ओके, इसलिए का जहाँ पर आधा घंटा पहले जो कि यहाँ पर अलाउंस कर दिया जाता है कि कौन सा मैच यहाँ पर प्ले करेगा, मतलब कौन सा खिलाड़ी प्ले करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो आप लोग आकर के एक बार एडिट कर लीजिएगा। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर जैसे देते हैं, मैंने विकेट कीपर को यहाँ पर ले लिए, उसके बाद यहाँ पर मैं बैट्समैन को ले लेता हूँ। सिंपली जैसे यहाँ पर इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैं बेस्टमैन पर मैं करता हूँ गाइज। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मैं विराट कोहली को ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं किसी को भी इस तरह से ले सकता हूँ गाइज। यहाँ पर साफ साफ जैसे कि देखा गया कि यहाँ पर 3 से 6 आप लोग बैट्समैन को ले सकते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर मैं 3 ही लेने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं ऑलराउंडर पर चले जाते हैं गाइज। यहाँ पर आप लोग जैसे ही देखते, इसमें भी यहाँ पर आप लोग 1 से 4 ले सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं एग्जांपल के लिए जैसे ही देखते हैं, यहाँ पर मैं गाइस 3 ले लेता हूँ इसमें भी। और यहाँ पर मैं बॉलर की बात करें तो यहाँ पर बॉलर में आप लोगों को 3 लेना ही पड़ेगा। ओके, जैसे कि साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है बॉलर में आप लोगों को 3 लेना ही पड़ेगा, तो मैंने ले चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे से कंटिन्यू का सेक्शन मिलेगा, सिंपली कंटिन्यू कर देना। आप जैसे कंटिन्यू कर दीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर एक कैप्टन सेलेक्ट करना पड़ेगा और एक यहाँ पर वॉइस कैप्टन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पर मैं बता दूं कि गाइस आप लोगों को कैप्टन और वॉइस कैप्टन होता क्या है। तो कैप्टन का मतलब ये होता है कि गाइस आप जिसको कैप्टन सेलेक्ट कीजिएगा वो गाइस यहाँ पर आपका टीम में, जैसे कि आपका कैप्टन है एग्जाम्पल के लिए, अगर 100 पॉइंट अगर बना दिया, ओके 100 पॉइंट बना दिया, तो उसका आप लोगों को 2 गुना मिल जाएगा, मतलब टोटली आपको यहाँ पर 200 पॉइंट जो कि मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि वॉइस कैप्टन का मतलब वो होता है जो कि आपको 1.5 गुना जो कि यहाँ पर आपको पॉइंट का वैल्यू आपको दिया जाता है। साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कैप्टन का 2 गुना और वॉइस कैप्टन का 1.5 गुना। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं किसी को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप लोग अच्छा से आप लोग जो कि कैप्टन और वॉइस कैप्टन को सिलेक्ट कीजिएगा। तो जैसे कि देखते हैं यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लें, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का सेक्शन मिलेगा, तो सिंपली कंटिन्यू कर देते हैं। अब जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो यहाँ पर मेरा टीम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बन करके रेडी हो चुका है। अब सिंपली एक बार इसको यहाँ से मैं बैक जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसे देखते हैं अभी जो मैंने इस पर बनाए गए, जहाँ पर सुबह जहाँ पर मैं आप लोगों ने क्रिकेट पर बनाए हैं, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर जैसे देते हैं माई टीम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा जैसे देते हैं यहाँ पर माई टीम पर, यहाँ पर मेरा टीम यहाँ पर शो कर रहा है। अब इसको सिंपली तरीके से आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर फिर से कॉन्टेस्ट पर सेक्शन पर आ जाना। कॉन्टेस्ट पर आ जाने के बाद अभी आप लोग जितना रुपया का आप लोग यहाँ पर एंट्री से आप लोग ज्वाइन करना चाहते कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं 31 रुपया ले लेता हूँ गाइज। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, लोकेशन का अलाउ करने के लिए बताया जाएगा, सिंपली कर देना गाइज। अलाउ करने के बाद सिंपली फिर से आप लोगों का एंट्री फी पर क्लिक करना, इस टीम को सिलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन कॉन्टेस्ट पर क्लिक करना और यहाँ पर कंफर्म करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने पेमेंट कर दिया तो यहाँ पर मेरा कॉन्टेस्ट यहाँ पर माई कॉन्टेस्ट में आकर के देख सकते हैं जे वाला जो कि कॉन्टेस्ट में मैंने ज्वाइन किया है। अब यहाँ पर प्राइज लिस्ट में आकर के इसका जैसे कि आप लोग यहाँ पर प्राइज बेकअप भी आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा आप लोग प्राइज लिस्ट वगैरह आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात रही गई आपका जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी 3 घंटे पहले मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है, अगर इसमें कोई भी एक प्लेयर जो कि प्ले नहीं किया तो उसको आप लोग एडिट कैसे कीजिएगा। तो एडिट करने के लिए फिर से आप लोगों को करने के गए जहाँ पर इस पर क्लिक कर देना, आपने जिसमें ज्वाइन किए हैं
इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा ऊपर से में माई टीम का। सिंपली यहाँ पर माई टीम पर क्लिक करके और यहाँ पर आप लोगों को पेंसिल का आइकन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके अपना टीम को एडिट कर सकते हैं। तो भाई लोग ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको जो विनिंग में पैसा मिलेगा पैसा डायरेक्टली आपके वॉलेट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग विड्रॉ पर क्लिक करके बैंक अकाउंट में अपना पैसे विड्रॉ कर सकते हैं।